बलराम ने लगाया अपने कान्हा को कसकर गले, जहां पर बलराम ने अपने कान्हा के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शूट किया था। तो क्या आप जानते हैं सीन के पीछे का पूरा सच क्या है? वेल, अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताएंगे हम आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि आखिर शो पर क्या चल रहा है गोलमाल। दरअसल आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा कि कैसे जब माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद युद्धभूमि में शाल्व को हराने से पहले बलराम दाव बुरी तरह से टूट जाते हैं और वो सब कुछ त्याग कर अपना युद्धभूमि से नाम पीछे ले रहे होते हैं। तब श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें समझाते हैं और उन्हें साहस देते हैं। इसी इमोशनल सीन में बलराम दाऊ ने श्री कृष्ण को गले लगाया था और ये सीन किया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंप्लीट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से गले लगाने वाले इन दोनों भाइयों के बीच में जो ये खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत बॉन्डिंग दिखाई गई थी, भरत मिलाप दिखाया गया था, ये वाकई में असली एक्टर्स के बीच में शूट नहीं हुआ है? वेल, नहीं ना, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम अब कि ये स्टाइलिश झलक, जिसमें आप देखेंगे कि राधा कृष्ण सेट पर अलग ही स्टाइल में किया जाता है हमारे खास प्रोमो सीन्स को भी शूट। दरअसल मौका था सुमित के अनअवेलेबल होने का, जिसकी वजह से सुमित की जगह उनके ड्यूप यानी कि डुप्लीकेट को यूज़ किया गया। और बलराम दाऊ ने कैसे बड़ी ही सफाई के साथ में बिना किसी को चेहरा दिखाते हुए अपने कान्हा को ड्यूप में भी कान्हा ही समझ कर गले लगाया, और कैसा रहा इन दोनों का ये ऑफ स्क्रीन एक्टिंग, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।